हिमाचल के नगर पंचायत ज्वाली में लाखों की लागत से लगाई गई हाई मास्ट लाइटें करीब पिछले 3 माह से खराब पड़ी हैं, लेकिन इनको ठीक नहीं करवाया जा रहा है, जिस कारण से आम लोगों व दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत ज्वाली के अधीन लव चौक व सिविल अस्पताल ज्वाली में लगाई गई हाई मास्ट लाइटें 3 माह से बंद पड़ी है। लव चौक व सिविल अस्पताल ज्वाली में लगी हाई मास्ट लाइटें के बंद होने से सूर्य के ढलते ही चौक व अस्पताल में अंधेरा पसर जाता है, जिसके कारण दुकानदारों, अस्पताल में व आने वाले मरीजों व लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लाखों की लागत से लगी हाई मास्ट लाइटें फिलहाल 3 माह से सफेद हाथे साबित हो रही है, जबकि इनको दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है, जिससे इलाके के लोगों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि पहले भाजपा समर्थित पार्षद आरोप लगाते थे कि कांग्रेस की चेयरमैन विकास नहीं होने दे रही है, लेकिन करीबन 7 माह पहले भाजपा विधायक अर्जुन सिंह ने भाजपा की पार्षद को चेयरमैन बनवाया था, तो अब भाजपा विधायक व पार्षद बताए कि कौन सा विकास हो रहा है। लोगों का कहना है कि लाइटर खराब होने से बाजार में अंधेरा ही रहता है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी होती है। वहीं चोरियों का भी अंदेशा बना रहता है। बुद्धिजीवियों ने कहा कि अगर लाइटें सिविल अस्पताल के पास लगी हुई खराब हो जाती हैं, तो 1 सप्ताह के भीतर ठीक नहीं किया गया तो नगर पंचायत ज्वाली को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस बारे में नगर पंचायत के पार्षद जगपाल सिंह ने बताया कि उक्त लाइटों के खराब होने का मामला हाल ही में नगर पंचायत की बैठक में लाया गया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि उक्त लाइटों को ठीक करने के लिए जल्दी टेंडर लगाया जाएगा, जिन्होंने कहा कि उक्त लाइटों को जल्द ही ठीक करा दिया जाएगा। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। 5-6 महीने से खराब पड़ी हुई है, इसके लिए हमने एसडीएम महोदय और नगर पंचायत को भी एक नोटिस भेजा था, मगर आज तक किसी विभाग ने भी इसकी सूझ नहीं ली। बाजार की बहुत बड़ी समस्या है, ये पिछली सरकार के माध्यम हमारी कोशिशों के व्यापार मंडल की कोशिशों के जरिए ये जो दो लाइटें जो स्ट्रीट लाइटें जहाँ आई हैं ये नगर पंचायत बनने से लगी हैं, और बहुत से लोगों को इसकी सुविधा रही है, मगर जब से ये खराब हुई है किसी भी विभाग ने ना एसडीएम महोदय ने ना तो इसके एमएलए साहब ने ना विधायक जो एमएलए हमारे यहाँ के उन्होंने भी इसके बारे में आज तक कोई नहीं, इनको भी हमने कई बार अवगत कराया है, ना ही नगर पंचायत के जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने इसका कोई भी अभी आश्वासन देते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएगी, मगर ऐसा हमें लग नहीं रहा। खेल तो लव चौक पर स्ट्रीट लाइट लगी है जो बड़ी फ्लड लाइट होती है, इसको लगे हुए 2 साल से लगभग ऊपर का समय हो गया है, और इसकी वारंटी जो है वो 1 साल की होती है, और ये पिछले लगभग 3-4 महीने से जो अब खराब पड़ी हुई है। इसका मेन कारण ये था कि इसका नहीं ठीक होने का कि जब तक हाउस की मीटिंग नहीं होती है और उसका प्रोविजन द्वारा उसमें नहीं डालते हैं उनकी लाइट्स वगैरह को ठीक करवाने का, तो उसके बाद ये लाइट जो ठीक होती है। अब 3-4 दिन पहले जो है वो हाउस की मीटिंग हुई है, तो उसको जो है इस मुद्दे को जो है दोबारा हाउस में उठाया गया है, जिससे कि लोगों को जो रात की दिक्कत होती है, रोशनी नहीं होती है, इस लाइट को जो है वो जल्दी से जल्दी बनाया जाए, इसका दोबारा टेंडर किया जाए, जो भी ऊपर लाइट्स वगैरह लग रही हैं और लोगों की जो सुविधा है उसको बहाल किया जाए। लगभग कोई 6 या 7 महीने से ये लाइट बंद है, और इसकी शिकायत हमने नगर पंचायत में भी की थी और SDM साहब से भी की थी, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। रात को अंधेरे में हमारे लोगों को यहाँ आने जाने के लिए दिक्कत। ये लाइट जड़ी लगी है 5-6 महीने तो पिछले साल से 5-6 महीने तो बंद पे दी है, लोगों बड़ी परेशानी है, रात नहीं चाहे कई बार गड्डियाँ बजती एक दूसरे ने, तो बहुत ही परेशानी है, लाने का कोई फायदा नहीं है। ये लाइट ये 6 महीने से ख़राब है, और हम लोगों ने जो है इसकी कंप्लेन सारे प्रशासनिक अधिकारियों करी हुई है, लेकिन एक्चुअली ये लाइट अभी तक ठीक नहीं हुई है, जिस कारण से अंधेरे में चोरी होने का भी डर रहता है। हम लोग मार्केट के प्रधान जी से भी बोल चुके हैं, सबसे बोला हुआ है, लेकिन अभी तक लाइट उन्होंने भी अपने स्तर से इसके लिए प्रयत्न किए, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, इसको जल्द से जल्द ठीक कराने की कृपा करें। ये जो फ्लड लाइट है ये बाजार के लिए बहुत बढ़िया सुविधा थी, जिसकी वजह से रात को कोई भी बाहर से कोई भी व्यक्ति आता था तो उसको जान लगता था कि चुरा है ये, और बाजार का ये हमारा जो लव बाजार है इसका हार्ट है, हार्ट ऑफ सिटी में ये लाइट लगी हुई है, बहुत बड़ी सुविधा थी। लगभग पिछले 6 महीने से ये 6-7 महीने से बंद पड़ी हुई है, ख़राब हो गई थी। जे साहब को हमने रिटर्न कंप्लेंट की, जे साहब जो नगर पंचायत के हैं वो मौके पर आए, हमने साथ लग के चेक किया, इसको खुलवाया, मैकेनिक बुलाया था,
ऊपर को बोला तो आज दिन तक ये लाइट जो हमारी ठीक नहीं हुई है, इसकी वजह से बाजार में काफ़ी अंधेरा रहता है, रात को चोरी होने का डर रहता है, लाइट हो तो चोर भी जो है वो डरते हैं कि बाजार में लाइट है तो ऐसी अनहोनी ना हो। तो मेरी विभाग से, नगर पंचायत हमारे चेयरपर्सन से और सभी से मेरी निवेदन है कि एक हम निवेदन ही कर सकते हैं कि इस लाइट को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, नहीं तो नहीं ठीक करते हैं तो फिर व्यापार मंडल के पास हमारा फंड है, हम उस फंड से ठीक करवाएंगे इसको। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।